नमस्कार, आप देख रहे हैं रिजियाना न्यूज। मैं दीपक राजा का आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। जिला चिकित्सालय में इन दोनों अव्यवस्थाएं चरम पर हैं, जिसके चलते युवक कांग्रेस द्वारा पहले भी सिविल सर्जन को ज्ञापन दिया जा चुका है। इसके बाद भी किसी तरह का निराकरण करने की कोशिश सिविल सर्जन द्वारा नहीं की गई। जैसे ही हम जिला चिकित्सालय में अंदर जाते हैं तो हम पाते हैं कि लंबी लंबी कतारें जो पर्चा बनाने वाले लोगों की लगी होती हैं, जिसके चलते कई बार तो कोई सीरियस मरीज भी अस्पताल के अंदर दाखिल नहीं हो पाता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होता। जब से यहाँ पर कंप्यूटर लगाए गए हैं तो सोचा था कि सेवा में गति आएगी, पर हुआ इसके विपरीत। जब से कंप्यूटर लगे हैं तब से पर्चा बनाने की प्रक्रिया और भी धीमी हो गई है। यहाँ पर लंबी लाइन लगी रहती है। कई बार यह लंबी लाइन एक्सरे और सोनोग्राफी कक्ष तक पहुंच जाती है, जिसके चलते परेशान होना पड़ता है मरीजों को, जो अस्पताल में दाखिल नहीं हो पाते। इसके लिए सिविल सर्जन द्वारा कोई ठोस उपाय नहीं उठाए गए। कम से कम अस्पताल में आने वाले मरीजों को दिक्कत तो नहीं होती। पहले पटरी हाथ से बनते थे, फायदा उससे था कि इससे फायदा है। अच्छा, हाथ से बनाते थे वो जल्दी बना देते थे, अब टाइम लग रहा है। ये बता रहे सर्वे जाम दे गई, वो नहीं मिल रहा है। वो कंप्यूटर पे ही महिलाओं को जाने में टाइम लगे, वो देर कहाँ से आया जैसे बच्चा पर्चा हो गया बना, देर लगती है। पहले जो हाथ से पर्चे बनते थे उसमें तो फायदा है, इससे फायदा हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? शुरू होगी परम पूज्य संत अरविंद जी महाराज के वाणी से श्रीमद् भागवत कथा, जिसका आयोजन मानस भवन में किया जा रहा है। वहीं इसी के चलते अरविंद जी महाराज का एक जुलूस भी सोनी कॉलोनी से मानस भवन तक निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं उनके भक्त मौजूद रहे। चल समारोह में महिलाएं अपने सर पर कलश रखकर चल रही थी, वहीं परम श्रद्धेय श्री अरविंद जी महाराज रथ पर सवार थे। आयोजकों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कथा सुनने की अपील की है। सिटी कॉलोनी में ठेकेदार की मनमानी के चलते किया जा रहा नियम विरुद्ध कार्य। न्यू सिटी कॉलोनी में इन दिनों काम चल रहा है रोड एवं नाली निर्माण का। वहीं यहाँ एक छोटा सा चौराहा भी है, जिसके पास से ठेकेदार द्वारा न जाने किस रूप से नाली निकाली जा रही है, जो किसी भी पैमाने पर ठीक नहीं उतरती। जबकि जिस मकान के आगे से नाली निकलना है, उस मकान के मालिक ने खुद को नाली का सही करने के लिए कहा, इसके बाद भी वहाँ काम करने वाले कर्मचारी उसे ठीक करने के तैयार नहीं, जिसके चलते आने वाले भविष्य में एक तो जगह की कमी हो जाएगी और दूसरी ओर आए दिन विवाद बढ़ेंगे और नाली में
पानी की निकासी भी ठीक से नहीं हो पाएगी। मोहल्ले वासियों ने हमें बताया कि इस बारे में उन्होंने काम कर रहे श्रमिकों से बात भी की, जिसमें से एक श्रमिक ने खुद को ठेकेदार बताते हुए कहा कि हमें जैसा इंजीनियर ने कहा है हम वैसा ही काम कर रहे हैं। समझ से परे कि आखिर ऐसा काम इंजीनियर महोदय ने क्यों कराया, जिसके चलते आने वाले भविष्य में रहवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बारे में आपने जो ठेकेदार जो काम कर रहा है उनसे आपने बात की? ठेकेदार नहीं, ठेकेदार का जो एक मतलब जो एक छोटे से स्तर पर जो एक मिस्त्री होता है वो अपने आपको ठेकेदार बताता है। वो उसका कहना ये था कि साहब ये जो है हमारे इंजीनियर ने बताया इस साइड से निकाल तो मकान वाले खुद ठेके गया था, सुपर खुद ठेके गया कि भाई इधर से निकालो ना। स्वतंत्रता दिवस को बालाभेट में आयोजित की गई ग्राम सभा में कुछ उपलब्ध होने की शिकायत सरपंच और सचिव के द्वारा विजयपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। उसके विपरीत आज बालाभेट गांव से कई ग्रामीण गुना एसपी कार्यालय पहुंचे। जब हमने जानना चाहा कि आखिर माजरा क्या है तो ग्रामीणों ने बताया कि 15 अगस्त की ग्राम सभा में सरपंच और सचिव किसी बात को लेकर नाराज हो गए थे। उन्होंने इन आदिवासियों एवं हरिजन व्यक्तियों को अश्लील गालियां एवं जाति सूचक गालियां देने लगे, जिस पर विरोध करने के चलते उन्होंने विजयपुर थाना अंतर्गत आदिवासी एवं हरिजन 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज करा दी। जब यह ग्रामीण थाने पहुंचे तो उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई, जिसके चलते आज सभी ग्रामीण इकट्ठे होकर एसपी कार्यालय पहुंचे। वहां पुलिस अधीक्षक न मिलने पर हरिजन थाने में अपनी गुहार लगाने पहुंचे। अब तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि सरपंच गलत है या ग्रामीण। पंद्रह अगस्त विशेष ग्राम सभा होना थी, वहाँ पे कुछ हरिधन महिलाएं बालाभेट तहसील रावगल जिला गुना है थाना विजयपुर, तो कुछ हरिजन महिलाएं थी वहाँ पे, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई तो सरपंच सचिव गालियां देने लगे इनको, जाति सूचक गालियां नहीं उनको बिछौना से बाहर कर दिया। इसका हमने कुछ विरोध किया तो जो कहीं तुम्हारे खिलाफ में एफआईआर कटाने जा रहे हैं तुमको जेल में डालते हैं अभी, और टेबल फेंक कर चले गए और एफआईआर हमारे 5-7 लोगों के खिलाफ में एफआईआर कटा दी। इस समस्या को लेकर हम थाने में पहुंचे, ना तो वहाँ पे हमारी कोई पुलिस ने सुनी ना जी हरिजन महिलाओं की एफआईआर काटी, थाना विजयपुर लगता है बस हम काल नाम क्या है उनके? मुझे महिला सरपंच सचिव का नाम कमल सिंह मीना सचिव है और सरपंच प्रीतम सिंह धाकड़ है। ऐसे आए कि सेक्रेटरी से सरपंच से कोटरिए हम और अरे कर्म कार्ड बनवाने गए, सुनने कही कि हमारी बना दो तुम, तो जहाँ कही कि यहाँ जाने सेक्रेटरी सरपंच ने यहाँ कही कि गाली रुख से आई या कही तुम जाओ यहाँ से। रामराज समिति द्वारा हनुमान चौराहे से निकाली गई झंडा यात्रा। श्रावण का महीना होता भी अच्छे काम एवं धार्मिक कार्य करने के लिए होता है, इसी कड़ी में रामराज समिति द्वारा झंडा यात्रा निकाली गई।
अम्बेडकर भवन में आयोजित किया गया भारतीय किसान संघ का जिला स्तरीय अभ्यास वर्ग। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी यह अभ्यास वर्ग जिला स्तरीय लगाया जा रहा है। जिला स्तरीय अभ्यास वर्ग में कार्यकर्ता एवं किसानों को बताया गया कि आखिर भारतीय किसान संघ क्या है और कैसे कार्य करता है। इस कार्यक्रम में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता एवं अधिकारी मौजूद रहे। इस बात की कोई पूछ रहे हो यार, कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए हम आपने आपके लिए पूछे, हम आपने आपने कमजोरी महसूस करें कि मात्र हिंदुस्तान में विश्व में एक आदमी किसान है तो है, तो जो संगठित नहीं है उसका शोषण होना तय है। भगवान राम को नहीं बता पाए, जिस देश की खेती बर्बाद हो गई वह देश भी बर्बाद हो गया, या किसी सहारा भी मिलेगा और है किसान ही तो किसान बर्बादी की सहारा। वर्ग है बैठक में प्रशिक्षण वर्ग है भारतीय किसान संघ का, साल में एक बार प्रशिक्षण वर्ग होता है, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, भारतीय किसान संघ के बारे में समझाइश दी जाती है, भारतीय किसान संघ क्या है, क्या करता है, कैसे कार्य करता है, और पूरी ट्रेनिंग है वर्ग। चांचौड़ा बीनागंज में पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर स्थानीय पत्रकारों द्वारा रेस्ट हाउस पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर तहसील के सभी प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार बंधुओं ने भाग लिया। बीनागंज से हमारे सहयोगी आर के शर्मा की रिपोर्ट। तरसते रहे उस आदमी के जाने से, उस महापुरुष के जाने से, आज 1 अरब लोगों की आंखों में आंसू हैं। आपने उदाहरण देखा होगा, बीनागंज छोटी सी जगह है, किसी राजनीतिक दल ने नहीं कहा कि आप दुकानें बंद कीजिए। ये अपनापन आकर्षण जो अटल जी के प्रति हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ था वो आज देखने को मिला। और ग्वालियर से हमें बस में बिठा कर या बीनागंज के लिए पहुंचाया गया, ऐसे साहिर्दय आत्मीयता, आत्मा से स्नेह रखने वाले कार्यकर्ताओं को अपनी नीम का पत्थर समझने वाले माननीय अटल जी को मैं आज जो हमारे बीच से हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं, मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हम अपने घर में लगातार बीमार थे, उनके बाद हम लोग करते थे, ऐसे हमारे बीच में पंडित जी नहीं रहे, अभी उनकी अंतिम यात्रा कार्यालय से निकाली जाएगी, सभी लोग उसमें शामिल हुए, आप लोग भी सब मौन धारण करके बाजार से आके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और बाकी एक राजनीतिक क्षति नहीं, क्योंकि पंडित जी एकमात्र ऐसे नेता थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिनके विरोधी भी कहते थे, विरोधी क्योंकि किसी व्यक्ति पार्टी की प्रशंसा नहीं करते, लेकिन व्यक्तियों की प्रशंसा करते हुए मात्र एक पंडित जी ऐसे नेता थे जिनकी विपक्ष बोलता था कि पार्टी खराब हो सकती है लेकिन पंडित जी अच्छे। देश में पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की मौत से शोक की लहर है, जिसके चलते पूरे देश में शोक व्याप्त है। शासकीय अवकाश होने के बाद भी आजीविका मिशन के अधिकारी लेते रहे मीटिंग। इतना ही नहीं, इस मीटिंग में भोपाल की टीम भी मौजूद रही। मामला राधोगढ़ के श्रीपुरा गाँव का है, जहाँ आजीविका मिशन के अधिकारी शासकीय शोक घोषित होने के बावजूद भी समूह की महिलाओं की मीटिंग लेते नजर आए। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा
कवरेज करने से रोका गया। जब इस विषय को लेकर आजीविका मिशन के जिला अधिकारी से बात करना चाहा तो उनका कहना था कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था, मगर ना तो तस्वीर थी ना ही फूलमालाएं, तो कैसे श्रद्धांजलि सभा। एक तरफ तो देश में शोक की लहर फैली हुई है, दूसरी तरफ आजीविका मिशन द्वारा मीटिंग की जा रही थी। सोचने वाली बात तो यह है कि इसमें तहसील से लेकर जिले स्तर के आजीविका मिशन के अधिकारी शामिल हुए। अब देखने लायक होगा कि जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन इस बारे में क्या कार्रवाई करता है। क्या बात है? कोई बात नहीं, क्या बात? एक बात बताऊँ, हमारा अधिकारी आ रहा है, वो तो निकल के जा रहे हैं, इसलिए आए रहे हैं, तो अब क्या करें? उससे हमें थोड़ी कोई मतलब, आपको पता नहीं है क्या? वो हमको सब पता है। ठीक है, बस आप आपका काम करिए। ग्रामीण अधिकार में आप किस पद पर पदस्थ हैं? मैं वाईपी हूँ। तो आपको इन्होंने इनवाइट किया था? हाँ, ये कल जो सर हैं उनकी डेथ की हमें पता चला था, तो कल वैसे छुट्टी का भी लेटर आ गया था, तो हम लोग ठीक है छुट्टी। सर का नाम क्या? अटल बिहारी वाजपेयी, है ना? तो सर की जो डेथ की हमें पता चला था, तो फिर लास्ट में लेटर भी आ गया था कि छुट्टी है करके, पर हम लोग जिले से बात हुई तो बोले कि सिपुरा गांव में ऐसे एक आयोजन हो रहा है साइलेंट प्रेयर का, अब आना चाहते तो आ सकते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के थे तो उनका साइलेंट प्रेयर रखा गया था, तो हमने कहा हम भी आ जाएंगे, छुट्टी है तो हमें कोई इशू नहीं। कार्यक्रम किया जा रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। उस जैसे में आप क्या कहें? नहीं, ऐसा कार्यक्रम तो कुछ आएगी। तो सर क्या कार्यक्रम रखा गया था, बारे में बता सकते? अशोक सभा रखी गई होगी? रखी गई होगी मतलब, यानी आपको कंफर्म? क्या आपको कंफर्म नहीं है? आप एक शोक सभा रखी गई? मैं तो अभी आया हूँ ना, और हमारा संदेश था कि जब रात को पता चला तो मैसेज किया था कि जहाँ पॉसिबल हो अपन महिलाओं को जागरूक करते हुए शोक सभा करवाएं। आज रात को पता चला आपको कि आपके पास इस क्या इस गांव का भी था कन्फर्म? यहाँ भी शोक सभा रखी जाएगी? इस गांव में रखी जाएगी? देखो क्या है कि हमारे तो हर गांव में ऐसे चल रहे हैं, जहाँ का समृद्ध गांव है, अच्छे लोग हैं, उनके माध्यम से रखी जाए, ग्राम संगठन के माध्यम से रखी जाए, एसएचजीएस के माध्यम से रखी जाए। सर तो आपको है ना, जो भी दीदी हैं संगठन के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कब इन्फॉर्मेशन दी गई कि ऐसा कार्यक्रम हम यहाँ रख रहे हैं या रखेंगे? देखो एक निर्णय तो उनका खुद का होता है, है ना, वो स्वतंत्र बॉडी है, वो खुद के निर्णय पे भी अपने कुछ कर सकती हैं और कुछ हमें बुला भी सकती है। तो सर इससे पहले आप बोल रहे हैं कि मैं कहीं दूसरी जगह क्षेत्र में विजिट करके आ रहा हूँ, तो सर इससे पहले विजिट नहीं, शोक सभा करके आ रहा हूँ। आपने विजिट बोला था, रेगुलरी क्या होता है कि हम फील्ड में रहते हैं तो विजिट शब्द चलन में आ जाता है, ठीक है, पर आज हम शोक सभा करके आ रहे हैं। आज आप शोक सभा करके आ रहे हैं? शोक सभा में आपने उनको क्या प्रेरणा दी? प्रेरणा दी हमने मौन रखवाया और माननीय अटल उनकी कोई वीडियो वगैरह हो तो आप हमको उपलब्ध करा दें कि वो इस बात को समझ पाए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कौन, तो हमें नहीं समझते ये हमें बताना पड़ेगा उन्हें कि वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन लक्ष्य जो है हमारा वो आजीविका से रिलेटेड होता है, अवेयरनेस के मामले में हम सैनिटरी, अभी सैनिटरी पैड की यूज के बारे में महिलाओं को, शौचालय को नहीं, हम महापुरुष की सर महापुरुष की जीवनी जो है। एक चीज बताइए आप मुझे सर, कि सर काफी टाइम से जो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी काफी टाइम से बीमार चल रहे थे सर, और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर हम उनके बारे में आज बता सकते हैं, लेकिन अटल बिहारी जी वाजपेयी के बारे में तो आज ही बताएंगे ना सर। आर उनसे हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। आप
आपने सुना होगा कि किसी भवन को शासकीय कार्य के लिए किराए पर लिया गया हो, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आंगनवाड़ी केंद्र को ही किराए पर चढ़ा दिया गया। ग्राम पंचायत मुहाल कॉलोनी में जो सरकारी इमारतें हैं उनमें से कुछ लोगों का तो भूसा भरा हुआ है और जो एक आंगनवाड़ी केंद्र है उसको सरपंच ने एक कबाड़े वाले को किराए पर दे दिया। जब इस बारे में उक्त किराएदार से बात की तो उसने बताया कि उसे केवल देखरेख के लिए ही रखा गया है, जबकि आंगनवाड़ी केंद्र में किसी को किराए पर नहीं दिया जा सकता क्योंकि वहां पर गरीब बच्चों की देखरेख की जाती है। इसके साथ ही पंचायत की बस्ती में जो सीसी रोड डाली गई थी उसको सिर्फ 6 महीने बीते हुए हैं और रोड उखड़ने लगी है। इतना ही नहीं, पठार के लिए जो मुख्य मार्ग है उसने गल्ला मंडी और पठार बस्ती के लिए करीब 100 घरों का आने जाने का रास्ता है, उसका भी बुरा हाल है। जब हमने सरपंच से बात करना चाही तो वो हमसे मिल नहीं सके। लेगा था इसलिए इनने नहीं, तो ये तो आंगनवाड़ी है ना भैया। आंगनवाड़ी घर की थोड़ी है, घर की नहीं है वही तो बोल रहे हैं। तो आपको सरपंच साहब ने कैसे दे दी? अरे वो चौकीदारी के चक्कर में उन्होंने कही कि यार ये रानू गेट में टूल लेगा, यहाँ से कही लेटिंग मेटिंग यही जी बनी बनाई जी और फूल फाड़ जाएंगे चक्कर में, और नहीं तो हमें का वो थोड़ी है यार। सरपंच साहब से पूछ ली थी, इसके बाद में उन्होंने खुद ने कही थी कि रानू यार जी कहीं अपने सामान वामन जा रहा है। सरपंच से पूछी थी आपने? क्या नाम है सरपंच का? अच्छा बेटा, कभी आप लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की अगर उधर नई आंगनवाड़ी बनी है तो आप लोग बोले उधर क्यों नहीं खोलते हैं? सर पता नहीं चला, सर पता नहीं खोलने लगते। क्या क्या कोई रहने लगा है सर उस आंगनवाड़ी में? कौन रहने लगा है बेटा? सर वो पता नहीं कबाड़ी समाज के हैं सर। कबाड़ी समाज के हैं? हाँ सर। तो कभी उसकी शिकायत नहीं की किसी ने? नहीं सर, कोई करता ही नहीं। सरपंच वो नहीं बोलता कुछ? नहीं सर। किसने रखा है उसको उसमें? सर पता नहीं सर, वो ताला है ना सर, उसकी चाबी भी उन्हीं के पास है। किसके पास है बेटा चाबी? कौन रहते हैं बेटा? वो कबाड़ी से है, अभी भी रहते हैं आंगनवाड़ी में ही रहते हैं। कबाड़ी आंगनवाड़ी में ही है, अभी भी आंगनवाड़ी में ही रहते हैं कबाड़ी। Thank you.
अच्छा भैया, यहाँ क्या परेशानी आती है जब जब पुलिया ये पुलिया ये पानी भर जाता है तो बच्चों को आने जाने में परेशानी आती है। अच्छा। गाड़ी वगैरह भी नहीं जाती, मोटरसाइकिल जरूर निकल जाती है और आदमी पैदल जाता है। तो बच्चे स्कूल भी जाते होंगे? जी हाँ, जाते हैं ना, पटर बस्ती के पूरे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ करीब यही मेन रास्ता है? और हाँ, यही मेन रास्ता है बस्ती का। जी हाँ, पठार बस्ती का। पठार बस्ती का। तो करीब कितने घर जुड़े हुए इस रास्ते से? 100 घर से ज़्यादा है। 100 घर से ज़्यादा है। हाँ। फिर भी इसको बनाया नहीं जाता? नहीं बनाया। और आगे चल के और देखो, और ज़्यादा बेकार कंडीशन है। आप देख सकते हैं सर यहाँ पे। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? चैन सिंह प्रजापति। चैन सिंह प्रजापति। आप लोग यहीं रहते हो? पटार पे। पटार पे। ये आंगनवाड़ी है? नहीं, आंगनवाड़ी वो इसमें पढ़ाते हैं। हाँ, इसलिए इधर लगाते हैं। इसलिए इधर लगाते हैं। अच्छा, वो और जो उधर नई बनी हुई है टंकी, मतलब आंगनवाड़ी उधर बनी हुई है नई, तो उधर आंगनवाड़ी क्यों नहीं लगाते? क्या पता? आपको पता नहीं है क्या? अच्छा, उधर जो आंगनवाड़ी बनी हुई है, तो नई आंगनवाड़ी है, उसमें क्यों नहीं लगाई जाती है? सर पता नहीं सर, वो यहीं पे लगाते हैं सर, यहीं पे कुछ दिन और आज निकली सर। अच्छा, तो लेकिन नई वाली में नहीं लगाई? हाँ सर। और यहाँ पे किस लिए खोली गई है स्कूल में की? सर वो वहाँ पे टंकी ना सर फूटने का डर है सर, वो वहाँ पे ना, तो इसलिए यहाँ पे खोल दी। अच्छा, तो टंकी कौन सी फूटी हुई है आप दिखा सकते हैं हमें? हाँ सर। चलिए दिखाइए। कैसी हो रही है बेटा? मतलब थोड़ी पानी टपकता है, ऐसी हो रही है कि कभी भी फूट सकती है। कभी भी फूट सकती है। चलिए आप हमें दिखाइए। अच्छा, पहले आंगनवाड़ी कहाँ थी? ये थी आंगनवाड़ी। ये पुरानी आंगनवाड़ी है। जागर से जालम किरार की रिपोर्ट। राधा कॉलोनी में हुई हत्या के आरोपी को पुलिस पकड़ने में हुई सफल। 10,000 के फरार आरोपी दीपक जाट निवासी राधा कॉलोनी को इंदौर से गुना पुलिस ने पकड़ा है। सूत्रों की माने तो गुना पुलिस उक्त आरोपी को पकड़ने के लिए कई दिनों से प्रयास कर रही थी। इसी कड़ी में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि उक्त आरोपी इंदौर में है, जिसके बाद गुना से एक दल इंदौर पहुंचा। उक्त कार्य में उप निरीक्षक गोविंद यादव, उप निरीक्षक अंकित, आरक्षक नीरज उर्फ टोनी, आरक्षक हरी सिंह की सराहनीय भूमिका रही, जिनको पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। हालांकि अभी तक इस खबर की पुष्टि पुलिस विभाग द्वारा नहीं की गई है। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।